बात करें बच्चे अपन लोग यहां पर लास्ट टाइम अपन लोगों ने एक बात की थी, सपोज दिया हुआ है डेट इज सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच और ये दिया हुआ है ओ एच और इस मॉलिक्यूल में देखें बच्चे अपन लोग या फिर इससे पहले एक दूसरा मॉलिक्यूल बना रहा हूं डेट इज सी एच थ्री डेट इज सी एच टू इट इज ओ एच। अब क्वेश्चन रेज हुआ व्हाट इज द हाइब्रिड स्टेट ऑफ कार्बन, बोलो क्या होगा CH3 वाले कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या होगी? sp3 टोटल चार बॉन्ड बना रहा है। CH2 वाले कार्बन की हाइब्रिड स्टेट क्या होगी? sp3 बहुत बढ़िया। एंड ऑक्सीजन की कितनी होगी? sp2 sp2 बोलो सर sp3 क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एक की है और एक ही है, दो सिग्मा बॉन्ड दो लोन पर कितना होगा? sp3। अब बात करें बच्चे अपन लोग व्हाट अबाउट द हाइब्रिड स्टेट ऑफ दिस वन कार्बन sp2 इसकी sp2 इसकी sp3 वाई सो ऐसा क्यों हुआ? देखें डायपोल मोमेंट इज क्या, तो बात करें बच्चे अपन लोग हियर इज द फिनोमेना ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस के फिनोमेना होने के कारण ये जो लोन पेयर है दो लोन पेयर में से एक लोन पेयर, एक क्या है लोकलाइज्ड लोन पेयर है इसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट करेंगे और एक क्या है डीलोकलाइज्ड लोन पेयर इसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। तो यहां पर देखिए अपन लोग लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आर इन कॉन्जुगेशन, इन दैट केस इस पर यदि लोन पेयर है दैट इज एबल टू फॉर्म बॉन्ड, तो यहां पर जब ये बॉन्ड अब बनाएगा इन दैट केस इस कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी? 5। यस सर। इन दैट केस ये सबसे वीकेस्ट बॉन्ड को तोड़ेगा। अब वीकेस्ट बॉन्ड को तोड़ेगा किस पे तोड़ेगा? नेक्स्ट एडजेसेंट कार्बन पे। इन दैट केस दैट इज अ सिंबल ऑफ रेजोनेंस, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं इन दैट केस इस पर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज। यस सर। तो यहां पर लिख दिया मैंने CH2 पर नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज एक ही आया क्योंकि एक तो खुद का इलेक्ट्रॉन था और पूरा बॉन्ड लिया, मतलब ये बेसिकली किसके एक इलेक्ट्रॉन को ले लिया। नेक्स्ट मैंने बोला यहां पर कि CH और यहां पर देखिए अपन लोग कि एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया और एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया, इन दैट केस देयर इज नो चार्ज इंड्यूस ऑन दैट वन। एंड ऑक्सीजन पर देखिए अपन लोग एक इलेक्ट्रॉन डोनेट हुआ, इन दैट केस एक पॉजिटिव चार्ज आएगा। अभी राइट नाउ देखिए बच्चे अपन लोग लोन पेयर जो है अभी फिलहाल में एक जरूर मेंटेन है, बोलो है ना? बोलिए। यस सर। अब राइट नाउ देखिए अपन लोग व्हाट इज द हाइब्रिड स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, और टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हो गए? 2। यस सर। और लोन पेयर कितना हो गया? 1। तो यहां पर एक पॉइंट लिखाया था आप लोगों क्या कि इन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट ऑफ ईच एटम क्या होता है? हमेशा सेम रहेगा। लिखा है नहीं लिखा है ऐसा कुछ? यस सर। तो सिंपल क्या होता है यहां पर बच्चे गलती कर सकते हैं, तो गलती करने का भी ऐसा है कि देखो अभी इनिशियल है, अदरवाइज ये धीरे धीरे आप पहचानने लगोगे रेजोनेंस को, ये बहुत बहुत कॉमन चीज है, वाली गलतियां नहीं होंगी। तो फिलहाल में आपको ये पता होना चाहिए कि डेट डेट लोन पेयर इज अ पार्ट ऑफ द रेजोनेंस, दैट्स व्हाई क्या होगा ये हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर अगर, इन दैट केस हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी आपकी sp2। कोई दिक्कत? बोलिए। तो हम आंसर तो एक ही करेंगे, बोलो है ना? टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने होंगे आपके पास में? या तो ये या फिर ये, बोलो है ना इस मॉलिक्यूल? यस यस। यदि क्वेश्चन ऐसा नहीं आया, ये आ गया कि टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तो एक बॉन्ड को कितने इलेक्ट्रॉन बनाते हैं? दो। तो बताइए, पूछ लिया आपसे कि टोटल नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इस मॉलिक्यूल में? 4। कितने होंगे?
चार, एक तो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इट इज पाई इलेक्ट्रॉन्स, और एक ये है आपका डेट इज वन पाई इलेक्ट्रॉन्स, और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होगा, डेट इज फोर पाई इलेक्ट्रॉन्स। अरे बोलो हाँ है ना? यस सर। तो मैंने बोला है आपको कि जो लोन पेयर क्या होता है, पाई बॉन्ड बनाता है, वो क्या होगा आपका पाई इलेक्ट्रॉन पेयर कहलाएगा। ठीक है यस सर। सर तो वो नीचे वाला हमें कंपैरिजन के लिए लिखना है, उसके बाद कंपैरिजन के लिए लिख लीजिए उसको, है ना, सही रहेगा। ओके सर। चलो नाउ नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप लोग, कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टू रेजोनेंस हाइब्रिड। हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग है आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टू रेजोनेंस हाइब्रिड। क्लियर? डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बाद डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टू रेजोनेंस हाइब्रिड। इसे पहला मैं आपके वो एग्जांपल का डिस्कनेक्ट हो गया था, कुछ बताया आपने लिखने एग्जांपल, नेक्स्ट हेडिंग बोली मैंने कंट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टू रेजोनेंस हाइब्रिड। लिख लिया? Yes, sir. इसमें लिखना आप लोग रेजोनेंस हाइब्रिड हैज कैरेक्टर ऑफ डिफरेंट पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लिख लिया? डिफरेंट पॉसिबल स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। लिख लिया? यस सर। पॉसिबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बाद possible stable resonating structure. Now next point, more stable resonating structure means more contribution to resonance hybrid. Sir means more contribution टू रेजोनेंस हाइब्रिड। लिख लिया? सो कंट्रीब्यूशन के बाद एक बार बता सकते, कंट्रीब्यूशन टू रेजोनेंस हाइब्रिड शॉर्ट फॉर्म में लिखो ना, मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब भी बोलूं तो आर एस लिखो, रेजोनेंस हाइब्रिड लिखना तो आर एच लिखो। ठीक है, बार बार रिपीट नहीं करूंगा मैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, only those resonating structure are considered as resonating structure which are more or less stable, मतलब दोनों कैटेगरी होंगे, ज्यादा स्टेबल भी हो सकता है, कम स्टेबल भी हो सकता है। ठीक है, लिख लिया? नाउ नेक्स्ट पॉइंट, हाईली अनस्टेबल स्ट्रक्चर इज Not consider, highly unstable structure is not consider as a resonating structure
because it does not contributes sir is not considered as a resonating structure because it does not contribute. Clear? Yes. Now, एक स्टार पॉइंट बनाओ, लिखना आप लोग, the pi electron delocalization और resonance. और दूसरी हेडिंग, हाँ ये दूसरी हेडिंग मान सकते हो, ये हेडिंग पॉइंट है बेसिकली, स्टार पॉइंट नाम से लिखवाया मैंने. क्या लिखा? द पाई इलेक्ट्रॉन डी लोकलाइजेशन और रेजोनेंस बिकम्स मोर इफेक्टिव इफ टू गिवन कंडीशन. इफ आप प्लीज रिपीट कर देंगे एक बार और हेडिंग, द पाई इलेक्ट्रॉन डी लोकलाइजेशन और रेजोनेंस becomes more effective if given two conditions are satisfied. लिख लिए महाराज? Yes sir. लिखो condition number one. Sir conditions are satisfied. हाँ जी. लिखना condition number one. If there are more number of side, available to move electron, then resonance become effective. Then resonance becomes effective. मतलब अलग अलग डायरेक्शन में रेजोनेंस मूव करेगा तो अच्छा माना जाएगा. क्या सर? नंबर ऑफ साइड अवेलेबल टू मूव. हाँ जी. नेक्स्ट पॉइंट है आपका, या नेक्स्ट कंडीशन है आपका, इफ देयर आर मोर नंबर ऑफ सर सेकंड कंडीशन. हाँ जी, सेकंड कंडीशन, इफ देयर आर मोर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, देन रेजोनेंस बिकम्स highly effective. चलिए लिख दिया. यस सर. सर आपके चैनल का नाम क्या है? एक नोट पॉइंट लिखो आप लोग. Electron always moves from deficient side. Electron always moves from rich to deficient side. Electron हमेशा कहां move करेगा? जहां पर electron की deficiency होगी. तो कहां से करेगा? जहां पर electron available होगा. मतलब ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए? लोन पेयर होना चाहिए. चलो ठीक है. तो मतलब समझेंगे छोटे छोटे पॉइंट्स को, है ना? कुछ थोड़ा बहुत पढ़ लें अपन लोग, तब उसके बाद में जानेंगे. तो लिखना आप लोग, नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज कंडीशन फॉर रेजोनेंस. सर नेक्स्ट हेडिंग है? हाँ जी, नेक्स्ट सेटिंग इज कंडीशन फॉर रेजोनेंस. इसमें लिखना आप लोग, पहली कंडीशन, रेजोनेंस ऑपरेट इन
कॉन्जुगेटेड सिस्टम सर हेडिंग बता दो एक बार रेजोनेंस ऑपरेट कंडीशन फॉर रेजोनेंस ठीक ना रेजोनेंस ऑपरेट इन कॉन्जुगेटेड सिस्टम नेक्स्ट पॉइंट अ मॉलिक्यूल विच शोज रेजोनेंस A molecule which shows resonance is either planar or nearly planar. A molecule which shows resonance is either planar or nearly planar. लिख लिया. Third condition लिखना. p orbitals taking part in a resonance p orbital sir p ki d p orbital taking part in a resonance must be parallel to each other p orbital taking part in resonance must be parallel to each other likh liya boliye yes sir now next slide likho types of conjugated system types of conjugated system dekhiye तो क्या होता है कॉन्जुगेशन दैट मस्ट बी क्या होगा अल्टरनेटिव बॉन्ड्स ठीक है तो अल्टरनेटिव बॉन्ड जरूरी नहीं है हमेशा इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है आपका तो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि पहले सिस्टम को देख लेते हैं हम लोग क्या है तो सपोज दिया है आपका पहला सिस्टम क्या है मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया इट इज डबल बॉन्ड देन सिंगल बॉन्ड देन डबल बॉन्ड तो ये क्या है आपका डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड मतलब पाई सिग्मा एंड पाई आर इन कॉन्जुगेशन बोलो हाय ना Yes. अब यदि बात करें बच्चे आप लोग यहाँ पर इसके एग्जाम्पल को देखें तो एग्जाम्पल के बेस पे लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH इट इज CH डबल बॉन्ड CH2 तो क्या होगा डबल बॉन्ड देन सिग्मा बॉन्ड देन क्या होगा आपका डबल बॉन्ड तो क्या ये मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो करेगा Yes. अरे बोलो तो हमें क्या चेक करना है कि ये डबल बॉन्ड और दूसरा डबल बॉन्ड मस्ट बी इन कॉन्जुगेशन मतलब बीच में क्या होना चाहिए जस्ट एक सिग्मा बॉन्ड होना चाहिए दो सिग्मा होंगे तो भी काम नहीं करेगा अरे बोलो है ना तो अल्टरनेटिव क्या चाहिए अपन को यहाँ पर डबल बॉन्ड चाहिए अब बात करें बच्चे आप लोग चूंकि इट इज असिमेट्रिकल मॉलिक्यूल अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमारे अकॉर्डिंग हम कहीं पर भी मूव करा सकते लुक यदि मैंने बोला कि फॉर एग्जाम्पल इस वाले बॉन्ड को मैंने यहां पर तोड़ दिया इस वाले बॉन्ड को मैंने यहां पर तोड़ दिया इन दैट केस इस वाले कारण पे क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज हाँ सर इस वाले पर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज तो बात करें बच्चे आप लोग यहां पर दूसरा स्ट्रक्चर जो बनेगा वो क्या होगा आपका दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH रिमेन सेम होगा आपका उसके बाद में क्या आएगा ये CH आ गया है उसके बाद में एक बॉन्ड अभी बाकी है यहां पे एंड इसके ऊपर क्या आएगा टोटल पॉजिटिव चार्ज सॉरी इसके ऊपर क्या आएगा टोटल नेगेटिव चार्ज और इसके ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव चार्ज कोई दिक्कत अब बात करें बच्चे आप लोग कभी भी किसी भी कारण पे यदि नेगेटिव चार्ज होता तो हमेशा क्या होगा एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल रहता है अब इसके पास में दो तरीके फर्स्ट ऑफ ऑल अनस्टेबल कौन हुआ तो बताइए कि सारे के सारे देखिए आप लोग एटम जो है सभी के ऑक्टेट कंप्लीट हो रहे हैं बोलो है ना यस बट रेजोनेंस शो करने के चक्कर में क्या हो गया कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है इसका ऑक्टेट कंप्लीट है लेकिन इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा इन दैट केस क्या होगा इट कंटेन्स ओनली 6 इलेक्ट्रॉन टोटल 3 बॉन्ड बना रहा बोलो हाय ना यस एक इस कार्बन से एक इस कार्बन से और एक हाइड्रोजन से और एक इलेक्ट्रॉन जो था उसको भी डोनेट करके बैठा इन दैट केस क्या होगा इट बिकम्स क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट यस अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसको स्टेबलाइज करना अब इसको स्टेबलाइज करना तो हमारे पास दो तरीके हैं क्या कर सकते हैं बोलो Either, इसके पास में एक एडिशनल पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन विद नेगेटिव चार्ज तो ये डोनेट कर दे तो हम फिर से लौट के यहीं पर आएंगे दैट इज टू ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल या फिर अपन लोग और नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्टेट्स को बढ़ा चाहे
तो हम ऐसा कर सकते हैं, चूंकि मैंने बोला इट इज पाई इलेक्ट्रॉन है, तो पाई इलेक्ट्रॉनों का तो काम ही होता है कि दैट इज डीलोकलाइजेशन। व्हाई सो? बिकॉज यहां पर देखिए बच्चे अपन लोग कि ये क्या है आपका लेस स्टेबल बॉन्ड है, मतलब इसको कभी भी हम तोड़ सकते हैं। तो इसको स्टेबल करने के लिए ये वाला जो बॉन्ड पेयर रहेगा पाई बॉन्ड पेयर यहां पर क्या हो गया शिफ्ट हो गया। अब बेसिकली बात करें बच्चे अपन लोग जो बॉन्ड बना है आपका एक नया वाला ये पाई बॉन्ड बना है, अब इस जगह पर क्या हो गया इस वाले कार्बन से पाई बॉन्ड बना रहा, बोलो हाँ ना, दिस कार्बन इज अ पार्ट ऑफ द पाई बॉन्ड, बोलो हाँ है ना। यस। और यदि अब ये नया पाई बॉन्ड यहां से उठ के यहां पर आएगा तो दैट अगेन बिकम्स अ पार्ट ऑफ दिस बॉन्ड, क्या इस पर कोई फर्क पड़ेगा? नो सर, नहीं पड़ेगा। लेकिन अल्टीमेटली इसका एक इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच गया, यहां पर पहुंच गया, इन दैट केस इट बिकम्स न्यूट्रल एंड दैट बिकम्स क्या होगा पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने बोला यहाँ पर हुआ क्या कि इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए और ये नया पाई बॉन्ड बना दिया, इन दैट केस क्या होगा इट इज CH2, ये आ गया पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर आ गया CH, देन ये आ गया डबल बॉन्ड, देन आ गया CH, ये अब न्यूट्रल चार्ज हो जाएगा और यहाँ पर देखिए अपन लोग CH2 शुड कैरी नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर देखिए बच्चे अपन लोग टोटल चार्ज एंड मॉलिक्यूल कितना है आपका जीरो, टोटल चार्ज एंड मॉलिक्यूल कितना है जीरो, टोटल चार्ज का मॉलिक्यूल कितना है आपका जीरो। तो रेजोनेंस में हम कहीं से भी घूम फिर के कहीं पर भी आ सकते हैं, वो हमारी चॉइस है। अब इसके आगे यदि हमें और जाना इन दैट केस क्या होगा, हम फर्दर बॉन्ड बनाएंगे यहाँ पे, अब फर्दर बॉन्ड बनाएंगे इन दैट केस वैलेंसी ऑफ कार्बन बिकम्स कितना हो जाएगा फाइव, तो ये वाला बॉन्ड क्या होगा। अब दो ऑप्शन है अपने पास में, आइदर ये यहां पर मूव कर जाएगा और ये यहां पर टूट जाएगा, तो ये हम वन मेथड यूज करते और सेकेंड मेथड यूज करते। यदि ये इस कार्बन पे टूटेगा तो देखो किस टाइप से होगा आपका, ये हमारी चॉइस है कि हमें क्या करना है उसको या हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। तो यदि मैंने पहला वाला मेथड ऑफ किया, पहले वाले मेथड पे मैंने कार्बन पे ब्रेक कर दिया, बोलो हाय ना, यस, इन दैट केस दैट कार्बन बिकम्स पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट मैंने बोला यहां पर क्या होगा इट इज CH, ये होगा आपका CH2, अब इसने एक नया बॉन्ड बना लिया, इन दैट केस चार्ज रिमेंस जीरो। अरे बोलो, यस सर, इसने बॉन्ड बनाया है तो इस पर चार्ज जीरो चलाएगा ना, इसने डोनेट कर दिया इलेक्ट्रॉन्स को और इसने इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे तोड़ दिए, इन दैट केस ये वाला कार्बन रहेगा राइट नाउ क्या होगा नेगेटिव चार्ज। यस। दूसरा तरीका क्या है कि हम इस वाले बॉन्ड को डायरेक्टली स्विच कर दें यहां, सी क्या होगा जब यहां पर एक नया बॉन्ड बना, बोलो हाय ना, बोलिए नया बॉन्ड बना ये वाला, यस सर, यस सर। अब यदि ये वाला बॉन्ड मैंने यहां पर शिफ्ट कर दिया तो दैट कार्बन इज अ पार्ट ऑफ वर्स्ट पार्ट ऑफ द क्या होगा आपका दैट पाई बॉन्ड एंड बिकम द पार्ट ऑफ दैट पाई बॉन्ड आल्सो, अरे बोलो है ना, यस। टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड रमी से क्या होंगे इस बार सेम ही रहेंगे, इन दैट केस देयर इज नो चार्ज इंड्यूस ऑन दैट कार्बन, बोलो है ना। तो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन पेयर क्या हो गया यहां से उठ के यहां पर पहुंच गया, तो इस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा लेकिन इसको एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन मिला ना, यस सर, इन दैट केस क्या होगा इट बिकम्स नेगेटिव चार्ज, प्लस माइनस बिकम्स कितना होगा जीरो। मतलब अल्टीमेटली बात बोलूं मैं कि यहां पर क्या आ गया आपका डबल बॉन्ड, यस, क्लियर है। तो यहां पर देखिए अपन लोग एक मॉलिक्यूल की कितने डिफरेंट काइंड ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, तो मैंने बोला कि ये वाला और ये वाला बोथ आर सेम, अरे बोलो है ना, दोनों सेम है, यस सर। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर नंबर वन हो गया, स्ट्रक्चर नंबर टू हो गया, स्ट्रक्चर नंबर थ्री हो गया एंड स्ट्रक्चर नंबर फोर हो गया। अब ये बोल सकते हो कि स्ट्रक्चर नंबर टू एंड फोर एक दूसरे के सेम दिख रहे हैं आपको, अरे बोलो दिख रहे हैं क्या आपको कि अलग अलग सेम है, कॉर्नर पे सर सिर्फ राइट और लेफ्ट स्विच हो गए ना, पूरा कॉर्नर पे नेगेटिव चार्ज, कॉर्नर पर नेगेटिव चार्ज दिख रहा है ना बेटा, वहां पर तो कॉर्नर पे नेगेटिव चार्ज है, नो सर सेम नहीं है, नहीं है ना, अलग अलग है ना, यस सर, चार्ज होंगे ना। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर कि बोल सकते हैं अपन लोग स्ट्रक्चर नंबर वन
कॉमा टू कॉमा थ्री एज वेल एज सेक्शन नंबर फोर. That again becomes क्या होगा section number one. Why so? ये देख लो आप check करोगे. इनको बोलेंगे बच्चे अपन लोग क्या इस particular molecule के resonating structure या फिर क्या बोलेंगे हम लोग canonical form. Canonical form. Next बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर कि यदि इस molecule के लिए हम resonance hybrid बनाना चाहें तो resonance hybrid क्या होता है basically? कि मैंने बोला यहाँ पर कि सारे सिग्मा बॉन्ड आपके एजिड्स रहेंगे बस पाई इलेक्ट्रॉन का माइग्रेशन दिखा ना आपको. तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर कि मैंने CH2 then CH then CH then CH2 बोलो हाया ना ये दिखा दिया. अब इन ऑल फोर स्ट्रक्चर में देखिए बच्चे अपन लोग यहाँ पर पाई बॉन्ड था यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं. तो यहां पर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. इन दैट केस हो सकता है नहीं हो सकता हो सकता है नहीं हो सकता. इन दैट केस डैश डैश फॉर्म में बना दिया. नेक्स्ट मैंने बोला कि यहां पर पाई बॉन्ड है कि नहीं है. लेकिन यहां पर पाई बॉन्ड है मतलब यहां पर पाई बॉन्ड आ सकता है. आ सकता है इन दैट केस नहीं भी आ सकता आ भी सकता नहीं भी आ सकता. बोलो आया ना. और लास्ट वाले पर क्या है यहां पर दिख रहा है आपको पाई बॉन्ड है और यहां पर देख रहा पाई बॉन्ड नहीं है. इन दैट केस ये हो गया आपका इसका रेजोनेंस हाइब्रिड. समझे क्या? तो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या शो कर रहा है कि पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर और यहां पर कहीं पर भी हो सकते हैं. तो ये मॉलिक्यूल में बात करें बच्चे आप बोल लो कि हमें रेजोनेंस हाइब्रिड की नीड क्यों लगी. That is instruction number five, जो कि क्या है एक resonance hybrid. तो बात करें बच्चे आप बोल लो कि do you know about Lewis structure क्या होते हैं? Yes. एक covalent molecule को by a single dot, by क्या होता है आपका valence electron को dot के थ्रू या फिर simple बात करें आप लोग line के थ्रू bond दिखाते हैं आप लोग. That is called Lewis structure. तो बात करें बच्चे आप लोग डेट इज अ ब्यूटेन 1.3 डाइईन दिया हुआ है और इस कंपाउंड की प्रॉपर्टी मुझे एक्सप्लेन करना है. अब प्रॉपर्टी जस्ट बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर. तो स्ट्रक्चर में मैंने यहां पे देखा कि यहां पर डबल बॉन्ड दोनों कॉर्नर पे है यहां पर बस एक की जगह पर है यहां पे जस्ट मिड पॉइंट पर है और यहां पर एक दूसरा कॉर्नर पे बचा आपका. तो इन चारों स्ट्रक्चर में से कुछ प्रॉपर्टी ये एक्सप्लेन करेगा कुछ प्रॉपर्टी ये एक्सप्लेन करेगा कुछ प्रॉपर्टी ये एक्सप्लेन करेगा और कुछ प्रॉपर्टी मतलब बात करें ऐसा कोई भी वन आउट ऑफ फोर कोई भी मॉलिक्यूल नहीं होगा जो 100% प्रॉपर्टी ऑफ ब्यूटेन 1.3 डाइईन की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर पाए. इन दैट केस मुझे हेल्प किसकी लगी रेजोनेंस हाइब्रिड की. मतलब दैट मस्ट बी द इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बिटवीन ऑल फोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. अरे बोलो है ना ये हर स्ट्रक्चर से कोरिलेटेड है. That's why क्या होगा कि एक ऐसा अपन ने मॉलिक्यूल बना लिया है by the help of resonance ये इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकता है. क्लियर है? टू और फोर बेसिकली सेम है ना. टू एंड फोर बेसिकली बिल्कुल भी सेम नहीं है. स्ट्रक्चर्स में जो आपने नंबरिंग की है वो क्या डिनोट कर रहा है? कहां पर ये थर्ड स्ट्रक्चर सर थर्ड ये मैंने क्लीवेज दिखाया बॉन्ड किस टाइप से आइदर मैंने बॉन्ड को क्लीव कर दिया दैट इज ब्रेक कर दिया और शिफ्ट कर दिया. तो सेकंड मेथड के थ्रू मैंने शिफ्ट कर दिया इन दैट केस नीचे स्ट्रक्चर बनाया था. फर्स्ट मेथड के थ्रू इसको क्लीव करके इस कार्बन पर ब्रेक कर दिया इन दैट केस दैट कार्बन बिकम्स क्या होगा नेगेटिव चार्ज. ओके सर मतलब वो फिर वापस फर्स्ट स्ट्रक्चर जैसी बन जाती है. मतलब मैं आपको बेसिकली मेथड सिखा रहा हूं कि हमारे पास में दो ऑप्शन है ऑप्ट करने के. आइदर हम शिफ्ट भी कर सकते हैं और ब्रेक भी कर सकते. सर तो फिर शिफ्ट करने से वापस नॉर्मल पे आ गया वो. हाँ बेटा. ओके सर जो सेकंड वाला स्टेप है सर उसमें आप सेकंड मेथड बता रहे थे ना सर कि अपन माइनस को अगर प्लस में डाल देंगे तो मतलब वो पहला वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा वैसा भी कर सकते थे कि अपन. मैंने ऐसा क्या बोला सर? आप बोल रहे थे ना सर मतलब सर सेकंड वाले में सर अपन कितने अपने मेथड है सेकंड वाले का सेकंड सर तो वो दो मेथड बता तो मतलब दूसरा मेथड कौन सा था? दूसरा मेथड ये होगा कि ये खुद ही बॉन्ड बना देगा इन दैट केस ये बन ही जाएगा फिर. हाँ सर वही. और सर रेजोनेंस हाइब्रिड सर तब बनेगा सर जब मतलब पोजीशंस पाई बॉन्ड के डिफरेंट है सब. हाँ जी सर. लेकिन पहले वाले में तो सर दो पाई बॉन्ड डॉट डॉट के थ्रू क्या हो रहा है शो ये हो रहा है आपका कि पाई बॉन्ड इज इन कंजुगेशन. मतलब ये मॉलिक्यूल क्या है रेजोनेंस एग्जिबिट कर रहा है. ठीक है सर. कंजुगेशन का सर मीनिंग क्या है? मतलब सर वो कनेक्टेड है मतलब वो
कॉन्जुगेशन मतलब माइग्रेट कर रहा है, कंटिन्यूस फ्लक्चुएट हो रहा है. So, लेकिन पहले वाले में तो सर दो पाई बॉन्ड है, मतलब बाकी सब तो एक ही. ठीक है सर, मतलब ये तो समझदारी है ना कि यहाँ पर सी एस टू है और यहाँ पर सी एच है, तो कहाँ पर पाई बॉन्ड होना चाहिए. यस सर, मैंने बोला टोटल चार्ज मस्ट भी क्या होना चाहिए, जीरो. जीरो है, जीरो है, जीरो है, जीरो है, कहीं पर भी कुछ भी बना दो चलेगा. So, मतलब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड से फर्क नहीं पड़ेगा. चलो सर, जो सेकंड नहीं सर थर्ड वाला जो सर चलो यार बात करें बच्चे अपन लोग, ये नेगेटिव चार्ज मतलब कितने इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, बोलो. 8 इलेक्ट्रॉन विद लोन पेयर. यस, और ये है आपका 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम. यार ये बताओ, भिखारी आपसे पैसे मांगता है कि छीनता है? सर मांगता है. ऐसा तो नहीं कभी कोई भिखारी देखा कि आपके मतलब वॉलेट निकाला आपका, उसमें से पैसे निकाले फिर वॉलेट आपको वापस कर दिया? अरे बोलो, चोर देखे सर. नहीं, भिखारी की बात कर रहा हूँ. नो सर, ऐसा तो नहीं होता ना. तो बेसिकली बात करें बच्चे अपन लोग, ये कार्बन जो है ये क्या है आपका, भिखारी है. क्यों भिखारी है? क्यों, उसको डेफिशिएंसी ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन. Yes, तो ये अपने से खुद से कुछ नहीं कर सकता, बस ये वेट कर रहा है कोई आएगा. कौन आएगा? जो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा. तो इलेक्ट्रॉन डोनर कौन कौन हो सकते हैं? आइदर आ पाई बॉन्ड कंटेनिंग एटम और कंटेनर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इन दैट केस ये आप इसको स्टेबलाइज करेगा और स्टेबलाइज करेगा इन दैट केस यहां पर ये जो मॉलिक्यूल होगा दैट अगेन बिकम कन्वर्ट इनटू दिस वन मॉलिक्यूल. क्लियर है? तो चाहो एक बार दोबारा बता दीजिए सर, कैसे बनाना आप सर, एक बार आरोक्य बता दीजिए सर एक बार. नेगेटिव चार्ज, इसने डोनेट कर दिया. हाँ सर. जीरो चार्ज हो गए. हाँ सर. इसने गेन कर लिया, जीरो चार्ज हो गए. यस सर, उसको भी नोट करना है ना सर. आपकी इच्छा, मैंने समझा. चलो नेक्स्ट लिक्विड सिस्टम. सेकंड सिस्टम है बेटा डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड आर इन कॉन्जुगेशन. अब बात करें बच्चे अपन लोग, यहां पर एक एग्जांपल ले सकते हैं, चाहे तो फॉर एग्जांपल लेकर इट इज CH3, इट इज सॉरी CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड एंड नाइट्रोजन. तो साहिल से अक्षत ने पूछा था, या साहिल ने पूछा था कि यहाँ पर बॉन्ड कहाँ पर ब्रेक करना, अंदर वाले पर ब्रेक करना है कि बाहर वाले पर. तो चूंकि सिमेट्रिकल तो कहीं पर भी ब्रेक कर दो सब कुछ चलेगा. बट यहाँ पर देखिए अपन लोग, इन दोनों में देखिए अपन लोग, फर्स्ट ऑफ ऑल नाइट्रोजन और कार्बन में विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? नाइट्रोजन. नाइट्रोजन, इन दैट केस नाइट्रोजन. इन दोनों को यदि मैं पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज देना चाहूंगा तो बताओ किसके ऊपर कौन सा चार्ज डेवलप होगा? तो नाइट्रोजन नेगेटिव. इन दैट केस ये वाला बॉन्ड क्या होगा आपका, इस पर ब्रेक हो जाएगा और इस पर ब्रेक होगा, इन दैट केस इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा. यस सर. और यहां पर फिर क्या होगा, फर्दर बॉन्ड वगैरह क्या होंगे आपके, माइग्रेट करते रहेंगे. इस टाइप से क्या होगा आपका, रेजोनेंस होता रहेगा. ठीक है. तीसरा केस, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज इन कॉन्जुगेशन. मतलब बात करें बच्चे अपन लोग, लिखा है इट इज CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 विल कैरी पॉजिटिव चार्ज. तो बताइए यहां पर देखिए अपन लोग, डेट इज 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, बोलो है ना. Yes, sir. अब इसको किसकी रिक्वायरमेंट है, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की, डेट इज बॉन्ड की. अरे बोलो है ना. Yes, sir. अब इसको स्टेबल ये खुद से नहीं होता, लेकिन इसका कोई पड़ोसी होगा जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन होगा, सॉरी पाई इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, आइदर इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर और डायरेक्टली क्या होगा, पाई बॉन्ड के थ्रू. इन दैट केस क्या होगा, ये डायरेक्टली क्या करेगा, इसको बॉन्ड दे देगा और जो नया स्ट्रक्चर बनेगा दैट बिकम्स क्या होगा, CH2 देन CH देन CH2. अच्छा बताइए, आर देव इक्वल, आर दे सेम और डिफरेंट? ये दोनों मॉलिक्यूल हैं, ये दोनों आयन सी हैं, ये सेम होंगे कि डिफरेंट होंगे? सेम सेम सर. हाँ जी सेम. ये दोनों सेम नहीं होंगे बेटा,
ना, ये दोनों के हैं आपके इक्वलेंट है, ये दोनों एक दूसरे के जस्ट बराबर इस वीडियो में, क्योंकि इन दोनों में हर कुछ सेम। सोचो ना कि यहां पर हो सकता है कार्बन 12 की जगह कार्बन 14 होता, तब होता सेम क्या? नहीं, अलग हो जाता ना। अब बात करें बच्चे आप लोग यहाँ पर इसका एक नाम और लेते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, ये ग्रुप ही बोलते हैं अपन लोग, दैट इज एलाइल। क्या बोलते हैं बच्चे अपन लोग? एलाइल। और ये हो गया आपका कार्बोकैटाइन, एलाइल कार्बोकैटाइन। तो थोड़ा बहुत अपन को एलिमेंट्री आइडिया पता होना चाहिए क्या होता है एलाइलिक ग्रुप। नेक्स्ट बात करें बच्चे आप लोग यहाँ पर फोर्थ नंबर पे आएगा आपका, दैट इज डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। तो यदि सिमिलर केस ले लो CH2 डबल बॉन्ड CH, ये हो गया CH2 और ये आ गया नेगेटिव चार्ज। तो बात करें बच्चे आप लोग, पहला क्वेश्चन रेज हुआ कि इसका नाम क्या होगा, दैट इज एलाइलिक ग्रुप। बोलो है ना? यस सर। तो नाम क्या होगा इसका? एलाइल कार्बन, कार्बन कार्बो एनायन। अब दूसरा क्वेश्चन रेज ये हो रहा है, जैसे यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन था, जैसे यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन, दैट इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट था, क्या ये भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है? नो नो सर, इट इज ऑक्टेट कंप्लीट है ना? यस सर, ऑक्टेट कंप्लीट इन दैट केस क्या ये स्टेबल है? हर मॉलिक्यूल क्या होगा, ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद में न्यूट्रल भी होना जाता है, तो ये न्यूट्रल नहीं। और न्यूट्रल कब होगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कंडीशन वही है कि मैक्सिमम वैलेंस कितनी होना चाहिए? चार ही होना चाहिए, चार से एक्सीड नहीं होना चाहिए, चार है। इन दैट केस इस वाले बॉन्ड को ये कहां पर ब्रेक कर देगा? इस पर। यस। तो जस्ट आपको ये देखना है कि फिनोमेना ऑफ मोमेंट, ये अपने खुद से बॉन्ड नहीं बना सकता, इसको स्टेबलाइज करने के लिए इसने अपने बॉन्ड को दे दिया। क्लियर है? सिमिलरली इसको स्टेबलाइज करने के लिए अब ये इसको बॉन्ड दे देगा। इस टाइप से क्या होगा, एक दूसरे में कंटिन्यूस इंटरकन्वर्ट होते रहेंगे। yes, तो आइदर बॉन्ड ऑफ चार्ज यहां पर आएगा और बॉन्ड ऑफ चार्ज यहां पर आएगा, तो इसके अब रेजोनेंस हाइब्रिड बना पाएंगे ऊपर वाले की? क्या बोलिए? हाँ सर। डबल बॉन्ड का बेस वाले बॉन्ड पर है या इन दोनों कार्बन के बीच में या फिर इन दोनों कार्बन के बीच में? सी क्या होगा आपका, यदि हम लोग इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, तो ये लिखा है कि CH2 देन लिखा है CH देन लिखा है CH2। बोलो हाय ना? अब मैंने बोल दिया कि डबल बॉन्ड कभी यहां पर हुआ कभी यहां पर हुआ, सही है दोनों? डबल बॉन्ड हमें पॉजिटिव चार्ज जो था, अब पॉजिटिव चार्ज कभी कहां था? इस कॉर्नर पे। और कहां था? इस कॉर्नर पे। क्या बीच में कभी किसी भी केस में डबल बॉन्ड हो सकता है? नहीं। नो सर। अरे बोलो, नहीं होगा, नहीं होगा। इन दैट केस यदि इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना, तो दैट मस्ट बी क्या होगा, प्लस का हाफ होगा, और दैट मस्ट बी क्या होगा, प्लस का हाफ होगा, दैट बिकम्स रेजोनेंस हाइब्रिड। अरे बोलो है ना? यस। ये कैसे आया वापस बता रहे? मैंने बोला इट इज यूनिपॉजिटिव चार्ज। यस सर। यूनिपॉजिटिव चार्ज क्या हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है आइदर इस वाले कारण पे और इस वाले कारण पे। यस सर। तो प्लस वन चार्ज को आधा आधा करूंगा दोनों पे इक्वली डिवाइड करने के लिए। तीन एटम होते तो क्या होता, 1/3 करता, ऐसे चार एटम तो होता 1/4 करता, क्योंकि दो ही एटम इन दैट केस कर दिया, हाफ कर दिया। सर पर हम लोग डबल बॉन्ड तो दोनों साइड पे पूरे हुए मतलब दिखा रहे सर, तो वैसे ही डबल बॉन्ड तो मैं बोल रहा हूं कि माइग्रेट कर रहे हैं, तो वैसे ही माइग्रेट कर रहा है, तो किसी एक पर्टिकुलर साइड में डबल बॉन्ड बनाया क्या? नो सर, वही तो सर, दोनों पे बना है सर, माइग्रेटिंग वाले तो सर उधर भी दोनों पे माइग्रेट। सी बात ये बोल रहा हूं ना, डबल बॉन्ड यहां पर भी हो सकता है और यहां पर भी हो सकता है, इससे ये शो हो रहा है। यस सर। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज को यदि मैंने डिवाइड करना है, तो मैंने बोलूंगा कि यहां पर रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, सभी का जस्ट कॉमन होता है, तो कॉमन क्या हो सकता है कि यहां पे अमंग टू स्ट्रक्चर टोटल दो बार में से कितनी बार चार्ज आया, टोटल दो बार में से इस पर टोटल कितना चार्ज आया, तो दो स्ट्रक्चर में से ओनली कितना आया, वन आया, मतलब yes. एक स्ट्रक्चर के बेस पे दोनों कितना आएगा, हाफ आएगा। इस पर देखिए, इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन पे दो स्ट्रक्चर में कितना चार्ज आया, दैट इज प्लस वन।
तो वन स्ट्रक्चर के बेस पे देखें एटमॉस्फेयर कितना ऑर्गेनिज्म बसा, समझा क्या? यस सर। तो बात करें बच्चे आप लोग, मैं बोल रहा हूं इट इज एनाइल कार्ब एनाइल। अब यहां पर इसकी कंडीशन अलग हो गई, इसके पास में खुद के लोन पेयर थे, दैट इज ये खुद ही चाहे तो बॉन्ड बना सकता है और ये बॉन्ड बनाएगा, इस कारण से क्या होगा जबरदस्ती ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा और यहां पर जो नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा क्या होगा बेटा, इट इज सी एच टू पर क्या आएगा बोलिए, नेगेटिव चार्ज आ गया। देन क्या आएगा, इट इज सी एच, इट इज डबल बॉन्ड, दैट इज सी एच टू। तो यदि बात करें बच्चे हम लोग इसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करना चाहें तो कर पाएंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्मा बॉन्ड तो दोनों में ही है, बोलिए CH2, देन CH, देन CH2। अब बोलो भैया डबल बॉन्ड कहां कहां आ रहा है, पहले वाले बॉन्ड पे डबल बॉन्ड आ सकता है क्या? यस सर। यस सर। दूसरे वाले पे दोनों पे आ सकता है क्या? यस सर। यस सर। एंड चार्ज कहां पर है, बीच वाले पर भी है कि नहीं है? नहीं है। कॉर्नर्स पे, तो कॉर्नर्स पे यदि चार्ज डिवाइड करूंगा और इक्वली डिवाइड करूंगा, सिमेट्रिकल वे में ड्रॉ कर डिवाइड करूंगा, इन दैट केस बताओ कितना कितना चार्ज होगा? माइनस हाफ, माइनस हाफ, माइनस हाफ एंड माइनस हाफ, कोई दिक्कत? अरे हम लोगों ने तो पढ़ा है ना बॉन्डिंग में ये वाला सब पूरा पोर्शन, ये पढ़ा क्या? यस सर। ठीक है, तो आप लोगों ने एवरेज बॉन्ड ऑर्डर निकाली थी वहां पे है ना, और एवरेज या एवरेज फ्रैक्शनल ऑफ चार्ज निकाला था यदि याद हो। चलो आगे देखिए क्या सर। हाँ जी सर, बता देंगे सर थर्ड वाला सर सेम क्यों नहीं हुआ, मतलब आप... जब नेगेटिव चार्ज इन कॉन्जुगेशन होता है तब तब लोन पेयर भी होता है, बोलो हाय ना। यस सर। जहां पर नेगेटिव चार्ज होगा वहां पर कम से कम एक लोन पेयर तो होगा। यस सर। बोलिए। लेकिन जहां पर लोन पेयर होगा वहां पर हमेशा नेगेटिव चार्ज होगा, इज इट कंपलसरी? नो सर। नहीं होगा कंपलसरी। तो नेक्स्ट केस मैं बना रहा हूं, दैट इज डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, और ये लिख दिया मैंने लोन पेयर, दैट इज लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, सॉरी लोन पेयर आर इन कॉन्जुगेशन। अब इसका एग्जांपल देखे भैया अपन लोग, तो ये एग्जांपल ले लिया, फॉर एग्जांपल सी एच टू डबल बॉन्ड इट इज सी एच, और यहां पर लिख दिया मैंने दैट इज सॉरी हाँ चलो ठीक सी एच, और यहां पर लिख दिया मैंने फॉर एग्जाम्पल इट इज ओ एच लिख दिया। तो बताइए क्या ऑक्सीजन ओ एच के कुछ और लिख दिया, बोलो ओ एच का एग्जाम्पल ऑलरेडी ले चुका एन एच टू, एन एच टू। तो क्वेश्चन रेज हुआ इज दिस मॉलिक्यूल सोर्स रेजोनेंस, यस और नो? यस सर। व्हाई सो? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर आर इन कॉन्जुगेशन। यस सर। अरे बोलो है ना, या फिर लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आर इन कॉन्जुगेशन। यदि मैं यहां पर एक सी एच टू और लिख देता बीच में तो बताइए शो करता? नो सर। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में नहीं हो सकता। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहां पर इस केस में होगा क्या कि सबसे पहले इनिशिएट कौन करेगा, तो पाई बॉन्ड अपने आप में इनिशिएट नहीं कर सकता क्योंकि इसको एक जगह से टूट के दूसरी जगह बनाना, तो क्यों बनाना, बनाएगा तो क्यों बनाएगा जब सामने वाले के पास डेफिशिएंसी है? क्या इस नाइट्रोजन के पास में डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन है? नो सर। बोलिए। ऑक्टेट कंप्लीट है ना? यस सर। तो नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बना रहा है विद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन दैट केस क्या होगा, कंप्लीट ऑक्टेट है आपका। अब बात करें बच्चे आप लोग इसके पास एडिशनल इलेक्ट्रॉन पेयर है, इन दैट केस क्या होगा, दैट इज एबल टू फॉर्म बॉन्ड, ये चाहे तो बॉन्ड बना सकता है। मतलब बात बोल ही दी है, चाहे तो बना सकता है, इन दैट केस चाह लिया इसने मतलब बॉन्ड बनाएगा। अब क्वेश्चन रेज हुआ कि व्हाट इज द हाइब्रिड स्टेट ऑफ दैट कार्बन, बोलिए sp2। व्हाट इज द हाइब्रिड स्टेट ऑफ दैट कार्बन? sp2। sp2। एंड व्हाट इज द हाइब्रिड स्टेट ऑफ दैट कार्बन? sp3। sp sp sp2 होगा ना? sp2। sp2 और 3 3 sp sp3 sp2 sp2 क्योंकि लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस। इफ द लोन पेयर इज अ पार्ट ऑफ द रेजोनेंस, इज लोन पेयर द पार्ट ऑफ रेजोनेंस?
आप पे डिपेंड नहीं कर रहा, वो सिस्टम पे डिपेंड कर रहा है। ये रेजोनेंस में आ रहा है ना? यस सर। तो ये थोड़ी है वो दिखाएगा रेजोनेंस तभी तुम मानोगे। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड आर इन कॉन्जुगेशन, मतलब दैट लोन पेयर इज अ पार्ट ऑफ द रेजोनेंस। अरे बोलो है ना। इन दैट केस टोटल सिग्मा बॉन्ड कितने हैं आपके पास? तीन। तो ये क्या है आपका? डीलोकलाइज। तो इसने बॉन्ड बना दिया, इसने बॉन्ड बना दिए। अब कार्बन पे दिक्कत आ गई, क्या आएगी बोलो? इस वाले पे पांच बॉन्ड। यस सर। तो पांच बॉन्ड होगा तो क्या होगा? सहन कर पाएगा क्या? इन दैट केस ये बोलेगा तेरे बॉन्ड तू रख। मतलब यहां पर क्या होगा, जो नया स्ट्रक्चर बनाया, इस नए स्ट्रक्चर में इस वाले कार्बन पे टोटल कितना चार्ज आया? माइनस वन चार्ज आया। नेक्स्ट आया आपका सी एच, यहाँ पर आया डबल बॉन्ड, इट इज एन एच टू एंड दैट शुड कैरी पॉजिटिव चार्ज। बोलो हाँ है ना? तो नाइट्रोजन ने बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, एक इलेक्ट्रॉन तो खुद अभी भी उसी के पास में ना। समझा सर? पिछले 15 मिनट से ऑलमोस्ट नहीं समझ रहा क्या? हाँ सर कुछ नहीं समझ। क्या नहीं समझ रहा? ये बता सकते हो सर लोन पेयर वाले केस के आगे का? नहीं समझ रहा। समझने की कोशिश करो ना, पूछो। से बता देना सर लोन पेयर ने क्यों बनाया बॉन्ड। इसके अलावा और कोई पूछो? सर ये पॉजिटिव चार्ज क्यों हुआ है ये नहीं समझा, बिकॉज उसने बॉन्ड बनाया ना, तो जब बॉन्ड बनाया उसने तो वो इलेक्ट्रॉन मान लिया दे दिया, बट है तो उसी के पास ना, लाइक शेयर हो रहा है तो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है हाँ आगे बात करें। अरे बोलो आगे बात करें, समझे इसको? हाँ सर। तो ये फिलहाल में अभी रेजोनेटिव चार्ज बनाया, अभी फिलहाल में आपको सब में आया नहीं आया वो ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? टोटल नेगेटिव चार्ज आएगा बेटा, है ना? तो एक काम करते हैं अपन लोग, थोड़ा स्पेस ले लो ऊपर वाला, लिख लिया हो आई थिंक सो। सो ये बता देंगे सर थर्ड वाला सेम क्यों नहीं था? सर थर्ड वाला कौन सा? सर थर्ड वाला बोलते ना सर सेम नहीं, इक्विवेलेंट है। यस सर दे आर सेम, मतलब ये आप जो बोल रहे हो बोथ आर आइडेंटिकल। मैं बोला आइडेंटिकल नहीं है, ये दोनों क्या है? इक्विवेलेंट है, मतलब ऑलमोस्ट क्या है, क्या बोलते हैं अपन लोग, स्टेबिलिटी में बराबर, ये सब बोलूंगा ज्यादा बेटर। ठीक है सर, अपन आइडेंटिकल क्यों नहीं बोल रहे हैं? आइडेंटिकल इसलिए नहीं बोल रहे कि ये दो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं। ओके सर, मतलब सुझे कुछ और आ जाते तो मतलब नहीं होते, मतलब कुछ और आ जाते। सुन ले भाई, आर दे सेम और डिफरेंट? सर डिफरेंट। डिफरेंट ना, सेम बोलने में इसमें क्या दिक्कत है? ये भी तो सब कुछ सेम है, अल्टरनेटिव डबल बॉन्ड है, वो तो हमारी चॉइस है ना कहां से स्टार्ट करेंगे। यस सर। अरे बोलो, तो हमारी चॉइस है ना एक कॉर्नर पे डबल बॉन्ड लगाना और दूसरे कॉर्नर पे क्या लगाना, पॉजिटिव चार्ज। आइदर यहां से स्टार्ट करो और यहां से स्टार्ट करो। यस सर। क्लियर है? तो दे मस्ट बी कंसीडर एज अ टू डिफरेंट काइंड ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अरे रेजोनेंस को समझा रहे हो तो दो अलग अलग स्ट्रक्चर हो गए ना। इसको हमने कैसे बनाया? वहां पर कोई बॉन्ड बनाया और कोई बॉन्ड टूटा तब बना पाए ना, इन दैट केस अलग अलग स्ट्रक्चर होंगे ना। अरे वो बना लिया सर, उसके अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बनाए और वो बनाए नहीं जा रहे। तो बनाते रहे ना घर पे जाके। सर जो फिफ्थ एग्जांपल में मिडल वाला कार्बन है सर, और सर उसका एसपी टू हमने इसलिए लिखा है क्योंकि उसका एक पाई बॉन्ड जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में, तो सर उसको काउंट नहीं किया ना हमने। यहाँ पे बोल रहे हो ना? यस सर। बेटा एक बात सुन ले, हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं बोलो? हाँ सर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करते हैं सर पाई बॉन्ड में। पाई बॉन्ड की बात भी होती है कभी? नो सर। बात खत्म? यस। चलो तो बात करें बच्चे अपन लोग, यहाँ पर समझो भैया है ना, कल जहां से अपन ने खत्म किया था आज वही से आज फिर अपन करेंगे अपन लोग। ठीक है चलिए बोलो, ये बोला था मैंने, ये वाला स्ट्रक्चर दिया है, बोलो हाँ है ना?
यस सर। अब बात करें बच्चे बोलो इस स्ट्रक्चर में देखिए आप बोलो आपने ये बोला कि इस पर प्रोडक्ट चार्ज क्यों आया ये बोले ना। यदि देखो जो जो दिक्कत आ रही है यदि नहीं बोलोगे तुरंत से ठीक है ना तो नहीं बता पाऊंगा ठीक है ना। तो बात करें बच्चे आप लोग बेसिकली कितने इलेक्ट्रॉन है दो सर ये बता दीजिए ना सर मतलब उसने क्यों बनाया सर बॉन्ड लोन पर नहीं ये भी बता दीजिए। एट इलेक्ट्रॉन कोई दिक्कत बोलिए नो सर। अब यदि बात करें बच्चे आप बोल लो यदि मैंने यहां पर इसको तोड़ दिया दैट इज सी एच दैट इज एन एच टू और ये आ गए लोन पर इस बॉन्ड को तोड़ दिया इन दैट केस ये सेवन हो गया ये सेवन हो गया ये एट हो गया बोलो हाय ना यस सर। कोई दिक्कत नो सर। अब यदि इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और इसको डोनेट कर दिया मतलब इस पर क्या आएगा यूनिपोडिक चार्ज। Yes, sir. अच्छा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो दिखाओ गया सेवन इलेक्ट्रॉन मतलब छह दो आपने पेयर फॉर्म में और एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। Yes, sir. तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया इन दैट केस कितना इलेक्ट्रॉन होगा सेवन। Yes, sir. और इस इलेक्ट्रॉन को किसको दे दिया इस वाले कार्बन को किसको दे दिया इस वाले कार्बन को मतलब एडजेसेंट कार्बन को इन दैट केस इस पर जब एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेगा तो एक नेगेटिव चार्ज भी आएगा। Yes, sir. And becomes क्या होगा एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम बोलिए ठीक है। Yes, sir. ये भी सेवन इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये भी सेवन इलेक्ट्रॉन है और दोनों को क्या है एक 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 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और दोनों के पास में एक एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल भी इन दैट केस सबसे अच्छा क्या कर सकती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। Yes, sir. अरे बोलो तो क्या होगा इस स्ट्रक्चर सी एच टू जिस पर नेगेटिव चार्ज आएगा सी एच डबल बॉन्ड एन एच टू इस पर पॉजिटिव चार्ज मेंटेन समझा क्या सर मतलब इलेक्ट्रॉन पूरा डोनेट हो गया और दूसरा शेयरिंग के लिए यूज हुआ है बेसिकली बात करें अपन लोग यहाँ पर मैं बोलता हूँ डू यू नो ट्रांसमिशन कैस्केड जानते हो नो सर कैस्केड नहीं जानते पास करना अरे बोलो नो सर। अरे किसी भी चीज को पास करते हैं अपन लोग एक स्टूडेंट है दूसरे स्टूडेंट तीसरे स्टूडेंट सपोज मैंने बोला कि कोई कोई भी ऑब्जेक्ट है अपना तो ये पास करेंगे क्या बोलेंगे कैस्केड करना बोलते उसको ऐसा सुन लिया। चलो तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर कि इसको बेसिकली आठ इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ना। Yes, sir. अब इसके पास में एक फालतू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा है तो ये इसने बॉन्ड बनाया अब बॉन्ड बनाया इसने इन दैट केस एक इलेक्ट्रॉन तो खुद ये यूज करेगा। Yes, sir. और दूसरा इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा ये बॉन्ड yes, बनाएगा तो सामने वाले के पास भी इलेक्ट्रॉन होना चाहिए हाँ या ना। Yes, sir. सामने पास इलेक्ट्रॉन है क्या Is there any unpaired electron है क्या यहाँ पे नहीं है। No, sir. अब क्या हुआ इसने पूरा का पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज किया इसने पूरा का पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज किया तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसने यूज किया नाइट्रोजन है एक इलेक्ट्रॉन खुद की साइड कर लिया और एक इलेक्ट्रॉन कहां कर दिया टुवर्ड्स कार्बन बोलो है मतलब साइड कर दिया इन दैट केस देयर इज नो चार्ज बट टुवर्ड्स कार्बन कर दिया तो दैट इलेक्ट्रॉन मस्ट बी द पार्ट ऑफ दैट कार्बन बोलो है नहीं समझा सर। अब कोवेलेंट की जगह कोऑर्डिनेट वर्ड यूज कर लोगे तो समझ जाएगा बट अब कोवेलेंट ही